परसवाड़ा विधायक मधु भगत क्षेत्र के ढूटी वाटर प्लांट पहुंचकर प्लांट में पदस्थ कर्मचारियों से मुलाकात कर प्लांट की गतिविधियां के संबंध में जानकारी लेते हुए प्लांट के अंतर्गत बने प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया। प्लांट एरिया मैनेजर एवं प्लांट मैनेजर ने प्लांट का निरीक्षण कराकर पानी फिल्टर के संबंध में जानकारी दिया गया। परसवाड़ा विधायक मधु भगत निरीक्षण करते हुए पदस्थ कर्मचारियों को नसीहत दिया कि किसी भी हाल में ग्रामीणों के लिए पानी सप्लाई प्रतिदिन किया जावे, एक्स्ट्रा मोटर पंप की व्यवस्था रखे, पानी सप्लाई का कार्य किसी कारण से नहीं रुकना चाहिए। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। आज जो वाटर प्लांट ढूटी में पहुंचे हैं, किस संबंध को लेकर पहुंचे? मुझे तो पानी की समस्या बहुत आ रही थी काफी दिनों से लामता की तरफ और ये आसपास पूरे ग्रामों में। तो आज मैं एक्चुअल पहुंच करके मैं देखना चाहता हूं कि ये जो जल निगम के द्वारा जो हमको पानी जो पीने का दिया जा रहा है हर ग्राम के अंदर, तो इनके पानी के अंदर कितना क्यूरिफाई है और पानी की क्वालिटी किस प्रकार की। इस हिसाब से हमने प्रयोगशाला में जाकर के उसको परखा जांचा देखा। निश्चित तौर पर पानी को प्रयोगशाला के बाद ही देवाइज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो समस्या आ रही थी कि पानी यहाँ से ग्रामों में सप्लाई नहीं होने की वजह से, टंकी में स्टोर नहीं होने की वजह से ग्रामों में त्राही त्राही इस समय गर्मी की सीजन मची हुई थी, उसके लिए मैंने हिदायत दिया है कि पंप यहाँ बिल्कुल बंद ना किया जाए और किसी प्रकार की कोई भी चीज़ या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले समझ लें और किसानों ग्रामों में पहले सूचना दे दें कि इतने दिन पानी नहीं मिल सकता या इस कारण से नहीं मिल सकता, ताकि किसान के अंदर ये परेशानी हितग्राहियों को ग्रामीण को माताओं बहनों को परिवार को तकलीफ ना हो। तो आज मैंने निरीक्षण किया और हिदायत दिया है कि यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी आपको कमी लग रही हो तो आप तत्काल मुझे बताएं। लेकिन मैं आने के बाद संतोष हूँ और रास्ते में जहाँ जहाँ इनकी जो वाटर सप्लाई की जो पाइप्स लगे हुए जो पाइपलाइन बिछी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी चेक करवाऊँ कि कहाँ पर डैमेज है, कहाँ पर ब्रेकेज है, कहाँ से पानी सप्लाई नहीं हो रहा जिस वजह से ग्राम के अंदर टंकी में पानी नहीं पहुँच रहा। इन सारी चीज़ों का मैंने यहाँ के सुपरवाइजर को बोला है। अच्छा, निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया? निरीक्षण के दौरान तो मैंने देखा तो आज चालू हालत में यहाँ लगभग सारी चीज़ें पूरा इनका कैंपस तो पूरा वेल बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है इनके पास और जहाँ वाटर जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद किस प्रकार से उसको फिल्टर करते हैं, तीन चरणों के बाद पानी चौथे चरण में जाकर प्रयोगशाला में ये पानी आपको पीने मिलता है। और स्टाफ में लगभग 10-12 लोगों का स्टाफ मैंने यहाँ पे पाया जो, लेकिन दिन रात का यहाँ पे स्टाफ जो एक ड्यूटी लगी होती है जो पानी को अगर कोई भी समस्या हो उसको। चलो, इस प्लांट में केमिकल इंजीनियर कोई नहीं है उपस्थित? नहीं रहते हैं तो केमिकल इंजीनियर है, अभी मेरे को उसने बताया केमिकल का असिस्टेंट रहता है यहाँ पे, इसने पूरा केमिस्ट है, इसने मुझे बताया कि मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, उसे प्रयोग के अंदर लेके मुझे पूरा ऐसे प्रयोगशाला देखा जी डिवाइस की। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।